वोकल रिहैबिलिटेशन आफ्टर लैरिंजेक्टोमी। इसको हम दो हेडिंग्स में देखेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन लैरिंजेक्टोमाइज्ड पेशेंट्स। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है, वोकल रिहैबिलिटेशन आफ्टर लैरिंजेक्टोमी। पेशेंट ना अपनी स्पीच कम्प्लीटली लूज कर देता है, इसलिए वोकल रिहैबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आफ्टर लैरिंजेक्टोमी पेशेंट लूजेस हिज स्पीच कम्प्लीटली, देयरफॉर वोकल रिहैबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड। सेकेंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है लैरिंजेक्टोमाइज्ड पेशेंट्स में, तो इसमें फाइव मेथड्स होंगे। फर्स्ट रिटन लैंग्वेज पेन एंड पेपर, सेकेंड इफोनिक लिप स्पीच, थर्ड इसोफेजियल स्पीच, फोर्थ आर्टिफिशियल लैरिंग्स एंड फिफ्थ ट्रैकियो इसोफेजियल स्पीच। तो फर्स्ट रिटन लैंग्वेज पेन एंड पेपर से यूज करके लिख के बताता है पेशेंट जो उसको बोला जाता है। सेकेंड इफोनिक लिप स्पीच होती है, ईयर को ट्रैप करके बकल कैविटी में ये यूज़ किया जाता है और ये साइन लैंग्वेज के साथ कंबाइन किया जाता है। एफोनिक लिप स्पीच मतलब क्या होता है, स्पीच कैरेक्टराइज बाय ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट और सिलेबल्स व्हेन पर्सन इज अनेबल टू प्रोनाउंस देम। मतलब पर्सन उस कॉन्सोनेंट या सिलेबल्स को छोड़ देता है जिसको वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है बाकी बोलता है। देन थर्ड ईसोफेजियल स्पीच होती है, ईसोफेजियल स्पीच में क्या रहता है, पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि एयर को कैसे स्वालो करे और उसको होल्ड करे अपर ईसोफेगस में और फिर धीरे धीरे उसको इजेक्ट करे ईसोफेगस से फैरिंग्स में और फिर पेशेंट 6 से 10 शब्द से बोल सकता है फिर से स्वालो करने से पहले एयर को। तो वॉइस रफ होती है पर लाउड होती है और समझने लायक होती है। देन फोर्थ आर्टिफिशियल लैरिंग्स होता है, तो इसमें दो आता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोलैरिंग्स एंड सेकेंड ट्रांसओरल न्यूमैटिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रोलैरिंग्स क्या होता है, ये ट्रांजिस्टराइज्ड होता है, ट्रांजिस्टर्स में होता है, बैटरी से ऑपरेट होता है, पोर्टेबल डिवाइस होती है, कहीं भी ले जा सकता है। उसकी वाइब्रेटिंग डिस्क हेल्ड होती है सॉफ्ट टिश्यूज के अगेंस्ट नेक के, तो नेक के अगेंस्ट एक वाइब्रेटिंग डिस्क रखी रहती है और एक लो पिच्ड साउंड प्रोड्यूस किया जाता है हाइपोफेरिंक्स में। हाइपोफेरिंक्स में एक लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि और फर्दर मॉड्यूलेट होता है स्पीच में टंग से, लिप्स से, टीथ से और पैलेट से। तो टंग, लिप्स, टीथ और पैलेट से और मॉड्यूलेट होता है स्पीच में। तो ये फिगर 62.8A और B में दिया है, ये इस तरीके का होता है और ये ऐसे पेशेंट रखा हुआ है लैरिंजेक्टोमाइज्ड पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। देन फिफ्थ है, सॉरी, इसका इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा ट्रांसओरल न्यूमैटिक डिवाइस भी होती है आर्टिफिशियल लैरिंग्स में। इसमें क्या होता है, ये भी दूसरे टाइप की आर्टिफिशियल लैरिंग्स है। ट्रांसओरल डिवाइस यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं एक रबर डायफ्राम में और एक प्लास्टिक ट्यूब से कैरी किया जाता है ओरल कैविटी के पीछे, जहाँ पे साउंड कन्वर्ट किया जाता है स्पीच में मॉड्यूलेटर्स से। और ये एक न्यूमैटिक टाइप की डिवाइस होती है और एक्सपायर्ड एयर को यूज़ करती है ट्रैकियोस्टोम से। ट्रैकियोस्टोम में जो भी एक्सपायर्ड एयर रहती है उसको यूज़ करती है डायफ्राम को वाइब्रेट करने के लिए। नाउ फिफ्थ है ट्रैकियो इसोफेजियल स्पीच, तो इसमें फर्स्ट ब्लॉम सिंगर प्रोस्थेसिस आएगा, सेकेंड पांजर प्रोस्थेसिस। तो ट्रैकियो इसोफेजियल स्पीच में क्या रहता है, यहाँ पे अटेम्प्ट किया जाता है कि एयर को हम कैरी करें ट्रैकिया से इसोफेगस में या हाइपोफेरिंक्स में, ये क्योंकि स्किन लाइन फिस्टुला बनाया जाता है उसके थ्रू कैरी करते हैं या फिर एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस रख देते हैं। तो वाइब्रेटिंग कॉलम जो एयर में एंटर कर रहा है फेरिंग्स, जो एयर एंटर कर रही है ना फेरिंग्स में, उसका जो वाइब्रेटिंग कॉलम है वो फिर मॉड्यूलेट हो जाता है स्पीच में। ये टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि फूड जब एंटर कर, फूड ना ट्रैकिया में एंटर कर जाता है। तो आजकल कौन सा प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं, ब्लॉम सिंगर या पांजर प्रोस्थेसिस, एयर को शंट करने के लिए ट्रैकिया से ईसोफेगस में। और ये इसमें इनबिल्ट वॉल्स होते हैं जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करता है, इसलिए एस्पिरेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, जो फूड एंटर करता है ट्रैकिया में वो बच जाता है। तो ये फिगर में दिया है 62.9, इसमें यहाँ से ये एयर जा रही है ट्रैकिया से ईसोफेगस में डाइवर्ट होकर और फिर स्पीच में जा रही है। ट्रैकिया ईसोफेजियल स्पीच फिंगर क्लोज कर रही है ट्रैकियल ओपनिंग को और एयर जो है ट्रैकिया से वो डायरेक्टेड है ओपनिंग इन प्रोस्थेसिस के थ्रू ईसोफेगस में। तो ये था वोकल रिहैबिलिटेशन आफ्टर लैरिंजेक्टोमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।